subscribe, like, on and share my channel. Thank you. Hello friends, welcome back to टेस्ट पर। तो आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में हार्डली 5 to 10 मिनट लगते हैं, टेस्ट में बहुत टेस्टी होती है और देखिए आपको देखने में भी लग रहा होगा अमेजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस, मैंने यहाँ पे दो पीस बनाने हैं। यहाँ मैंने लेफ्ट ओवर अपनी चाशनी यूज़ करी है, अगर आप पर नहीं है तो आप इसके लिए बना भी सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप क्रीम ली है, विप क्रीम, शुगर और यहाँ मैंने कोकोनट पाउडर लिया है और मैंने नट्स ले लिए हैं कट करके और ये मैंने ब्लू कलर का एक फूड कलर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो आप वो कलर ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल लॉकडाउन में बहुत स्वीट्स बन रहे हैं घर में और मैंने भी रसगुल्ले बनाए थे जिसकी चाशनी मेरी रखी हुई थी, वेस्ट हो जाती तो इसलिए मैंने ये स्वीट डिश बना के देखी और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनी। तो देखिए इस तरीके से मैं विप क्रीम को ले लूँगी और मैं इसको अच्छे से विस्क करूँगी जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। और अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई भी अच्छा टेस्ट देती है। तो देखिए यहाँ पर मीनवाइल मैंने अपने नट्स भी कट कर लिए हैं अच्छे से, आप कोई भी नट्स ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू और थोड़ा सा अखरोट लिया है, आप इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने नट्स भी कट कर लिए हैं। अब मेरी जो क्रीम थी वो उसमें मैंने शुगर मिला दी है थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ मैं फिर से विस्क करूँगी जैसे कि इसमें जल्दी से ये अच्छे से फिटने के बाद देखिए फ्लफी सी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी इसमें, मैं अपने जितने भी नट्स हैं इसमें आराम से आपको 5 से 7-8 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए फ्लफी हो गई है ना अच्छे से, तो अब इसमें मैं अपने नट्स ऐड कर दूंगी थोड़े से और इसको नट्स को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको कवर करके, आप चाहें तो इसकी लिड से किसी भी लिड से आप कवर कर दीजिए और नहीं तो पॉलीथीन जो पैकिंग पॉलीथीन होती है आप उससे अच्छे से पैक करके रख सकते हैं एयर टाइट करके और इसको करीब 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए जिससे कि अपना थोड़ी सी हार्ड हो जाए। तो देखिए मैंने पिन्नी से अच्छे से रैप कर दिया है और इसको मैं 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, बस इसे थोड़ा सा ठंडा रखना है हमें ठंडा करने के लिए। और 1/2 घंटे बाद मैंने देखिए निकाल ली अपने फ्रिज में से। और अब इधर क्या मैं करूँगी, मैंने एक जो डिब्बों का जो ढक्कन होता है ना जिसमें हम दाल चावल वगैरह रखते हैं उसका ढक्कन लिया और राउंड शेप में मैंने ब्रेड अपना काट लिया है, इसके चारों कॉर्नर निकाल दिए और देखिए जो एक्स्ट्रा रह गया है मैं सीजर से कट कर दूँगी अच्छे से राउंड शेप के लिए। इसी तरीके से मैं अपने सारे ब्रेड कट कर लूँगी। आप चाहें तो अगर आपको वाइट ब्रेड नहीं सही लगती है तो आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये डिश बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल रबड़ी टाइप का टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चाशनी में हल्का सा कलर अपना मिला लूँगी और देखिए कलर मिलाने के बाद मैं अच्छे से घुमा लूँगी। आपके पास चाशनी नहीं है तो इसलिए बना भी सकते हैं चाशनी, ज़्यादा हमें टाइट चाशनी नहीं चाहिए, एक तार की चाशनी इसके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तो देखिए हमारी क्रीम अच्छे से ठंडी हो गई है, अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेती हूँ और देखिए इतनी मेरी क्रीम अच्छे से हो गई है। अभी देखिए मेरे को क्या करना है, जो हमने ब्रेड की स्लाइस करी थी तो आप देखिए स्पून की हेल्प से कर लीजिए वरना इसको हल्का सा डिप करके इस तरीके से और इसको तुरंत ही इसका जो एक्सेस वाटर हो वो रिमूव कर दीजिए क्योंकि अगर ये ज़्यादा वाटर इसमें रह जाएगा तो इतना सॉफ्ट हो जाएगा आप उठा नहीं पाएंगे। तो थोड़ा आराम से इस प्रोसेस को करिएगा कुछ इस तरीके के और जो हमारा क्रीम का जो था स्टफिंग वो हम इसके अंदर अच्छे से लगा देंगे देखिए कुछ इस तरीके से और इसको इसको कवर कर देंगे और हमारी स्वीट डिश बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कैसे, कोकोनट पाउडर से।
इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से हमने गार्निश कर दिया, प्लस मैंने इसमें थोड़े से नट्स और कट करके डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसको और अच्छा करने के लिए देखिए मैंने चॉको चिप्स भी लगा दिए थे। और इस तरीके से इस स्वीट डिश को बना के देखिए और मुझे बताइए आपको ये स्वीट डिश टेस्ट में कैसे लगी बनाने के बाद। और अगर आपको मेरे इसी तरीके से अमेजिंग रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं हमेशा आपके साथ अमेजिंग रेसिपी शेयर करती रहूं। तो नेक्स्ट रेसिपी तक बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।